पर्ल में वेरिएबल्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम पर्ल में वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। मैं उपयोग कर रहा हूँ उबंटू लिनक्स 12.04 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5.14.2 जो है पर्ल रिवीजन 5 वर्जन 14 और सब वर्जन 2। मैं जीएडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा। आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। पर्ल में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का उपयोग वैल्यूज को संचित करने के लिए करते हैं, जैसे टेक्स्ट स्ट्रिंग्स, नंबर्स या एरेज। एक बार वेरिएबल घोषित हो जाता है तो इसका उपयोग स्क्रिप्ट में बार बार किया जा सकता है। स्केलर सिंगल वैल्यू का प्रतिनिधित्व करता है और केवल स्केलर संचित करता है। स्केलर वेरिएबल्स डॉलर सिंबल का उपयोग करके घोषित किए जाते हैं। वेरिएबल का डिक्लेरेशन देखते हैं। वेरिएबल निम्न प्रकार से घोषित किया जा सकता है, डॉलर प्रायोरिटी सेमीकोलन। पर्ल में वेरिएबल का नाम कई फॉर्मेट्स में हो सकता है। वेरिएबल्स अक्षर या अंडरस्कोर के साथ शुरू होते हैं और लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स या उपयुक्त तीनों का मिश्रण हो सकता है। बड़े अक्षरों के साथ घोषित होने वाले वेरिएबल्स का पर्ल में विशिष्ट अर्थ होता है, अतः बड़े अक्षरों का उपयोग करके वेरिएबल्स को घोषित करने से बचें। अब टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit variables.pl ampersand टर्मिनल पर कमांड प्रॉम्प्ट को अनलॉक करेगा। अब एंटर दबाएं। यह gedit टेक्स्ट एडिटर में variables.pl फाइल खोलेगा। .pl पर्ल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। फाइल में निम्न टाइप करें, डॉलर प्रायोरिटी सेमीकोलन और एंटर दबाएं। अतः हमने वेरिएबल प्रायोरिटी घोषित किया है। आपको इसके उपयोग के पहले वेरिएबल घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसका उपयोग अपने कोड में कर सकते हैं। अब वेरिएबल प्रायोरिटी को संख्यात्मक वैल्यू निर्दिष्ट करें। इसके लिए टाइप करें डॉलर प्रायोरिटी स्पेस इक्वल टू स्पेस 1 सेमीकोलन और एंटर दबाएं। आगे टाइप करें प्रिंट स्पेस डबल कोट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज डॉलर प्रायोरिटी स्लैश n क्लोज डबल कोट सेमीकोलन और एंटर दबाएं। स्लैश n नई लाइन कैरेक्टर है। अब variables.pl के रूप में फाइल किसी भी स्थान पर सेव करें। मेरे केस में यह home/amol डायरेक्टरी में सेव होगी। अब इस फाइल को सेव करें। अब variables.pl फाइल की अनुमति को बदलें जो हमने अभी बनाई है। ऐसा करने के लिए टर्मिनल पर टाइप करें chmod 755 variables.pl। यह फाइल को पढ़ने, लिखने और निष्पादन करने का अधिकार प्रदान करता है। टर्मिनल पर इस पर्ल स्क्रिप्ट को कंपाइल करने के लिए टाइप करें पर्ल हाइफन सी variables.pl। हाइफन सी स्विच किसी भी कंपाइलेशन या सिंटैक्स एरर के लिए पर्ल स्क्रिप्ट को कंपाइल करता है। अब एंटर दबाएं। यह हमें बताता है कि यहाँ हमारी पर्ल स्क्रिप्ट में सिंटैक्स एरर नहीं है। अब पर्ल variables.pl टाइप करके पर्ल स्क्रिप्ट निष्पादित करें और एंटर दबाएं। प्रदर्शित आउटपुट हाईलाइट होता है। हम वेरिएबल जिसे हमने घोषित किया है उसे स्ट्रिंग वैल्यू भी निर्दिष्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर विंडो पर वापस जाएं। डॉलर प्रायोरिटी इक्वल टू 1 के बजाय टाइप करें डॉलर प्रायोरिटी इक्वल टू सिंगल कोट में हाई। कृपया ध्यान दें, नियत कार्य दाएं से बाएं मूल्यांकित होते हैं। स्केलर किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है, यह स्ट्रिंग या नंबर होना चाहिए। फाइल को सेव करें और पर्ल हाइफन सी वेरिएबल्स डॉट पी एल टाइप करके एक बार फिर से स्क्रिप्ट को कंपाइल करें। अब एंटर दबाएं। यह हमें बताता है कि यहाँ कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। पर्ल variables.pl टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित करें और एंटर दबाएं।
आउटपुट दिखाया गया है। अब टेक्स्ट एडिटर विंडो पर वापस जाएं। आप स्केलर्स का उपयोग डबल कोट्स में भी कर सकते हैं। डॉलर प्रायोरिटी डबल कोट में स्ट्रिंग स्ट्रिंग्स के रूप में। इस फाइल को सेव करें और बंद करें। अब हम सीखते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को कैसे घोषित करें। ऐसा करने के लिए टेक्स्ट एडिटर में नई फाइल खोलें। टर्मिनल पर टाइप करें gedit multivar.pl स्पेस ampersand और एंटर दबाएं। यह टेक्स्ट एडिटर में multivar.pl फाइल खोलेगा। अब टाइप करें डॉलर firstvar कॉमा डॉलर secondvar सेमीकोलन और एंटर दबाएं। वेरिएबल डॉलर firstvar से डॉलर secondvar में वैल्यू कॉपी करने के लिए टाइप करें डॉलर firstvar स्पेस इक्वल टू स्पेस डॉलर secondvar सेमीकोलन और एंटर दबाएं। सभी गणितीय ऑपरेटर्स जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इन वेरिएबल्स पर किया जा सकता है। देखते हैं कि हम इसे पर्ल का उपयोग करके कैसे करते हैं। टेक्स्ट एडिटर पर जाएं और अब डॉलर firstvar इक्वल टू डॉलर secondvar इक्वल टू 10 सेमीकोलन टाइप करके इन दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू 10 निर्दिष्ट करें और एंटर दबाएं। अब इन वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए टाइप करें प्रिंट डबल कोट firstvar डॉलर firstvar एंड secondvar डॉलर secondvar स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स सेमीकोलन एंटर दबाएं। अब इस फाइल को सेव करें। अब दो वेरिएबल्स में वैल्यूज जोड़ें। इस प्रकार के लिए डॉलर एडिशन स्पेस इक्वल टू स्पेस डॉलर firstvar प्लस स्पेस डॉलर secondvar सेमीकोलन और एंटर दबाएं। ध्यान दें हमने वेरिएबल एडिशन को घोषित नहीं किया है। एक बार फिर वेरिएबल एडिशन की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए टाइप करें प्रिंट डबल कोट एडिशन इज डॉलर एडिशन स्लैश एन क्लोज डबल कोट्स सेमीकोलन। इस फाइल को सेव करें। इस फाइल को फिर से कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पर पर्ल हाइफन सी मल्टीवैर डॉट पी एल टाइप करें। यहाँ कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, अतः हम पर्ल मल्टीवैर डॉट पी एल टाइप करके स्क्रिप्ट को निष्पादित कर सकते हैं। यह हाईलाइट आउटपुट प्रदान करेगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अभ्यास करें। मैंने यहाँ कोड लिखा है। अब इस फाइल को सेव करें और बंद करें। अब पर्ल हाइफन सी मल्टीवैर डॉट पी एल टाइप करके फाइल को कंपाइल करें। यहाँ कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, अतः हम पर्ल मल्टीवैर डॉट पी एल के रूप में स्क्रिप्ट को निष्पादित कर सकते हैं। निष्पादन पर आउटपुट इस तरह दिखेगा। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा पर्ल में स्केलर वेरिएबल्स का उपयोग और घोषित करना। नियत कार्य नंबर वेरिएबल को घोषित करें, इसे 10 निर्दिष्ट करें, घोषित वेरिएबल को प्रिंट करें, टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स को घोषित करें, नमस्ते और इंडिया इन वैल्यूज को उन्हें निर्दिष्ट करें, उन दो वेरिएबल्स को एक के बाद एक प्रिंट करें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया
contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। आशा करता हूँ कि आपने पर्ल के इस ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।